लॉकडाउन 3 में शराब की दुकानें क्या खुली, हर जगह लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। देश के अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी सोमवार से शराब की दुकानें खुल गई, लेकिन जगह जगह अफरा तफरी का माहौल भी है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को भी भूल गए, बल्कि दिल्ली में कुछ जगहों पर भीड़ इस कदर हो गई कि पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। दिल्ली में ज्यादातर इलाकों में खुली सरकारी दुकानों के बाहर सैकड़ों लोग लाइनों में लगे नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि सुबह 9 बजे से लोग शराब की दुकानों के बाहर पहुंच गए थे। इस बीच भीड़ के मद्देनजर दिल्ली में पुलिस ने कई जगह शराब की दुकानें बंद कराई। यहां पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन न होने की बात सामने आई। दिल्ली में शराब की दुकानें खोलने का आदेश रविवार को ही जारी कर दिया था। इस आदेश के बाद दिल्ली में शराब की 150 दुकानों को खोलने की अनुमति मिली। ये दुकानें सुबह 10 बजे से देर शाम 7 बजे तक खुलेंगी। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि बेचने की दुकानों को संचालित करने की अनुमति देने के साथ अपने आदेश में इसके लिए कुछ शर्तें भी तय की। लेकिन जैसे ही शराब की दुकानें खुली, लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को भूलते नजर आए, जिसकी वजह से दिल्ली में बहुत सारी दुकानें बंद कर दी गई। अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कर दिया था कि दिल्ली सरकार ज्यादा दिनों तक लॉकडाउन का भार नहीं उठा सकती, रेवेन्यू की दिक्कत है। इससे पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है और बहुत ज्यादा दिन हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और दूसरी तरफ जब सारी अर्थव्यवस्था बंद है तो सरकार का रेवेन्यू आना बंद हो गया है, तनख्वाहें कहाँ से देंगे, सरकारें कैसे चलेंगी, बिल्कुल बंद हो गया सरकार का रेवेन्यू आना। पिछले महीने अप्रैल के महीने में हर साल 3,500 करोड़ का रेवेन्यू आया करता था, इस बार केवल 300 करोड़ का रेवेन्यू आया है। इससे तो तनख्वाहें नहीं दी जा सकती, सरकार कैसे चलेगी। तो अब अर्थव्यवस्था का बड़ा संकट पैदा हो रहा है। तो मेरा अपना ये मानना है कि लॉकडाउन के पीरियड को हमें तैयारी करने के लिए, कोरोना की तैयारी करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था, जिसका हमने भरपूर इस्तेमाल किया। ऐसा कभी नहीं हो सकता, कोरोना आ गया है, कोरोना रहेगा, कोरोना जीरो हो जाएगा, कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं होगा, आगे कोरोना कभी नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, पूरी दुनिया में नहीं हो रहा, ये संभव ही नहीं है। केजरीवाल की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ये फैसला लिया, लेकिन देखना यह है कि ये फैसला कहीं उल्टा ना पड़ जाए।